और अब आपको दिखाते हैं कि बारिश की वजह से कैसे उत्तर प्रदेश में जो स्कूली बच्चे हैं वो छतरी के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। क्लासरूम में छतरी के नीचे का खा घा सीखते बच्चों के स्कूल की ये तस्वीरें हैरान करती हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखती टीचर के हाथ में छतरी है और सामने बैठे बच्चे भी बारिश से बचने के लिए छतरी लेकर पढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। कानपुर के इस प्राइमरी स्कूल के बच्चे योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब बच्चे जान हथेली में लेके पढ़ रहे हैं और मैडमें भी जान हथेली में लेके पढ़ा रही हैं। बच्चे छाता लेके पढ़ते, कब किस वक्त कोई घटना हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेके पानी बरस रहा है, पानी गिर रहा है, बच्चे भी कैसे क्या। योगी सरकार ने अभी आपका शिक्षा बजट ना पास किया और कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ कुछ भी किसी वक्त भी अनहोनी हो सकती है। अब स्कूल की इन दीवारों और छतों को देखिए, बारिश की एक बौछार ने यहाँ स्कूल का बुरा हाल कर दिया। छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें पड़ी हैं और इन हालातों में इन बच्चों को मजबूरन यहां पढ़ना पड़ रहा है। तीन दिन पहले ही योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया। बजट में स्कूली बच्चों के जूते, मोजे, स्वेटर, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए 124 करोड़ का प्रावधान रखा गया। कक्षा 8 से 1 से लेके 8वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क एक जोड़े जूता, दो जोड़े मोजा, एक स्वेटर आदि उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था अतिरिक्त की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर मॉडल स्कूल इंटर कॉलेज के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था। लेकिन कानपुर के प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें अलग ही कहानी बयां कर रही है और ये बच्चे बोल रहे हैं कि सीएम योगी अंकल देख लो हमारे स्कूल का हाल। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।